नमस्कार दोस्तों, ये हमारी माई इंजीनियरिंग सपोर्ट की 7th वीडियो है और आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्रिक मेसनरी में यूज होने वाले 4 इंपॉर्टेंट बॉन्ड के बारे में जो आपको जरूर पता होने चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले कि क्या होता है ब्रिक बॉन्ड। तो बॉन्ड एक ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ब्रिक्स का जो काम आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूनिट्स, कंपोजिंग वॉल और ब्रिक स्ट्रक्चर में, ताकि इसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ अच्छी रहे। और बहुत से बॉन्ड डेकोरेशन पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉन्डिंग ऑफ ब्रिक वर्क का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो हेडर और स्ट्रेचर के द्वारा बनाया जाता है। और अगर आप ये हेडर और स्ट्रेचर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में ब्रिक मेसनरी की टेक्निकल टर्म्स को डिटेल्स में बताया है, आप वह वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो वैसे तो बहुत से ब्रिक बॉन्ड हैं जो ब्रिक मेसनरी में यूज होते हैं, पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 सबसे इंपॉर्टेंट ब्रिक बॉन्ड की जो ज्यादातर यूज होते हैं। तो जो सबसे कॉमन बॉन्ड है ब्रिक मेसनरी के, वो है नंबर 1 स्ट्रेचर बॉन्ड, जिसे कॉमन बॉन्ड भी कहा जाता है। नंबर 2 पर है हेडर बॉन्ड या स्पेनिश बॉन्ड। नंबर 3 पर है इंग्लिश बॉन्ड और नंबर 4 पर है फ्लेमिश बॉन्ड। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ और 12 इंपॉर्टेंट बॉन्ड। तो चलिए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला बॉन्ड है वो है स्ट्रेचर बॉन्ड। तो जो ब्रिक का सबसे लंबा और पतला हिस्सा होता है उसे हम स्ट्रेचर कहते हैं, और इस स्ट्रेचर बॉन्ड को कॉमन बॉन्ड या रनिंग बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। और आप नीचे एलिवेशन पिक में देख सकते हैं, इसमें जो ब्रिक वॉल की फेसिंग होती है वो ब्रिक का स्ट्रेचर शो करती है और एक के बाद एक ओवरलैप की जाती हैं। ज़्यादातर ये बॉन्ड गार्डन वॉल्स या बाउंड्री वॉल्स में यूज किया जाता है और ये बहुत ही आसान पैटर्न है। पर स्ट्रेचर बॉन्ड एक लॉन्गर स्पैन और हाइट के लिए स्टेबल नहीं होता है, और एक ऊंची हाइट के लिए इसमें हमें कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ ब्रिक मेसनरी कॉलम्स वगैरह की। और ये बॉन्ड ज़्यादातर स्टील और आरसीसी स्ट्रक्चर की आउटर फेसिंग में यूज किया जाता है, और इसे हम मेनली एक वॉल के पार्टीशन के लिए भी यूज करते हैं। और एंड ऑफ द वॉल हाफ ब्रिक बेड का यूज करके भी अक्सर ज्वाइंट को ब्रेक किया जाता है। तो दूसरा जो बॉन्ड है वो है हेडर बॉन्ड, इसे स्पेनिश बॉन्ड भी कहा जाता है, और ये एक बहुत ही कॉमन बॉन्ड है बेयरिंग वॉल्स के लिए। इसमें जो ब्रिक वॉल की फेसिंग होती है वो ब्रिक का हेडर फेस शो करती है, जैसा कि आप एलिवेशन पिक में देख सकते हैं। इस बॉन्ड को जहां वॉल की थिकनेस एक ब्रिक की लेंथ के बराबर होती है वहां यूज किया जाता है। इस बॉन्ड को जहां ब्रिक वर्क फाउंडेशन होती है वहां भी यूज किया जाता है, और मेनली जहां डिजाइन की डिमांड हो कर्व सरफेस की वहां हेडर बॉन्ड ही यूज किया जाता है। और कभी कभी स्ट्रेचर बॉन्ड में भी जहां कर्व देना होता है तो इसी बॉन्ड को यूज करके कर्व दिया जाता है। तो जो हमारा तीसरा बॉन्ड है वो है इंग्लिश बॉन्ड। ये बॉन्ड सबसे कॉमन और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये बॉन्ड वॉल की स्ट्रेंथ को डबल कर देता है। इस बॉन्ड में कोई भी वर्टिकल ज्वाइंट नहीं होता, और इसमें जो हेडर है वो एकदम नीचे जो स्ट्रेचर बॉन्ड है उसके ज्वाइंट के सेंटर पर रखा जाता है, जिसमें स्ट्रेचर ज्वाइंट की वर्टिकलिटी खत्म हो जाती है। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड एक हेडर और स्ट्रेचर का पैटर्न है, जिसमें हम एक कोर्स पूरा स्ट्रेचर का रखते हैं और एक कोर्स उसके ही ऊपर हेडर का रखते हैं। तो ये पैटर्न अल्टरनेटिव चलता है, जैसा कि आप एलिवेशन पिक में भी देख सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट और फोर्थ बॉन्ड है वो है फ्लेमिश बॉन्ड, जिसे डच बॉन्ड भी कहा जाता है। इस बॉन्ड में अल्टरनेट एक ही कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर को रखा जाता है, जैसा कि आप एलिवेशन पिक में देख रहे हैं। यह एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, और इस बॉन्ड में वर्टिकलिटी ज्वाइंट को ब्रेक करने के लिए हर क्वीन क्लोजर के बाद एक क्वीन हेडर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बॉन्ड बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि फ्लेमिश बॉन्ड की कंस्ट्रक्शन बहुत ही डिफिकल्ट टाइम कंज्यूमिंग वाली है, जिसके लिए एक अच्छी स्किल्स चाहिए इसे प्रॉपरली ले करने के लिए। तो दोस्तों, ये थे वो 4 बॉन्ड जो मेनली हमारी मेसनरी कंस्ट्रक्शन में यूज किए जाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी नॉलेज कुछ इनहेंस होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर जानकारी कलेक्ट करके। तब तक के लिए धन्यवाद।